टू केमिस्ट्री अकेडमी स्टूडेंट्स आज की वीडियो में पढ़ेंगे एनसीआर टी सोल्यूशन चैप्टर हैलोल केन एंड हैलोरिन आज हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल नंबर टेन पॉइंट थ्री टेन पॉइंट थ्री में एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि आपके पास एक कंपाउंड है कंपाउंड यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दिया गया है ये वाला कंपाउंड है ठीक है वो कहते हैं कि अगर इसकी क्लोरीनेशन करवाई जाए यानी कि इसके अंदर अगर सी एल टू एड किया जाए तो वो आने वाला सी एल किस किस पोजिशन पर अटैच हो सकता है और इसके पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं मसलन ये आपके पास कंपाउंड है जो उन्होंने दिया हमें ठीक हो गया अब इसमें अगर देखा जाए तो पहले अगर इसका आप सी एल के साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो आने वाला सी किस किस पोजिशन पर अटैच हो सकता है और इसके कितने आइसोमर्स बन सकते हैं ये हमने बताना है अब सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि आने वाला सी जो है ना वो इस पोजीशन पे अटैच हो जाए और अगर इस पोजीशन पे अटैच हो जाए तो एक ये आइसुमर्स बन गया हमारे पास ठीक हो गया बाकी समझ आ गई अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि वो कार्बन नंबर टू पे आकर अटैच हो जाए यहाँ पर अटैच हो सकता है तो आप देख सकते हैं जैसे वो कार्बन नंबर टू पर आकर अटैच होगा तो फिर आपके पास ये वाला आइसुमर्स बनेगा टू क्लोरो वाला है ठीक है बात की समझ आ रही सारे बच्चों को अब तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आने वाला जो सी एल है ना वो इस पोजीशन पर अटैच हो जाए पहले नंबर पे वो इस पोजीशन पर अटैच हुआ वन पे फिर वो टू पे अटैच हुआ फिर अब वो थ्री पे अटैच होगा अब अगर आप देखें ना ये वाला सी आई थ्री और ये वाला सी आई थ्री दोनों सेम है इस पोजीशन पर अटैच हो जाए या वो इस पोजीशन पर अटैच हो जाए तो वो सेम ही रहना है अब ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि वन टू ठीक है थ्री फोर इसको हम फाइव नहीं कह सकते यानी कि आने वाले सी अगर इस पोजिशन पर अटैच हो तो पाँचवा आइसोमर्स नहीं बनेगा क्योंकि ये वाला सी एच थ्री और ये वाला सी एच थ्री दोनों सेम मतलब एक जैसे ही दोनों तो इसलिए आपकी मर्जी चाहे आने वाले सी एल को आप इस पोजीशन पे अटैच कर दें या आप उसको इस पोजीशन पे अटैच कर दें तो आइसोमर सेम ही बनेगा यानी कि कहने का मतलब है ये जो आपको मॉलिक्यूल दिया गया है इसके अगर मोनोक्लोरिनेशन करवाई जाए तो इसके फोर आइसोमर्स बनने के चांसेस हैं पहला आइसोमर आइसोमर्स वन पोजीशन पे अटैच होगा दूसरा आइसोमर टू पोजीशन पे अटैच होगा सी एल तीसरा जो बनेगा उस केस में सी एल थ्री पोजीशन पे अटैच होगा और जो चौथा आइसुमर्स है वो आपकी मर्जी है कि वो इस पोजीशन पे सी एल अटैच कर दें या आप इस पोजीशन पे सी एल अटैच कर दें तो इस तरह आपके पास फोर आइसुमर्स बनेंगे बाय मोनोक्लोरीनेशन तो ये जैसे एग्जाम्पल टेन पॉइंट थ्री उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल केमिस्ट्री अकेडमी सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक